भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जनता की राय के मुताबिक तैयार करेगी। वहीं जनता की राय जानने के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें कॉल करने के बाद लोग अपनी राय व मुद्दे बता सकते हैं। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोलन के माल रोड पर सुझाव पेटिका रखी और संकल्प पत्र के लिए शहरवासियों से सुझाव मांगे। इस पर जानकारी देते हुए प्रोफेसर रविंद्र ठाकुर ने बताया कि संकल्प को पूरा करने के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण है। इस विकसित भारत की कल्पना के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मुद्दे मांगे हैं, जिन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। हमारा कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है। विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस अभियान के दौरान पूरे देश भर में हर मंडल में 5-5 सुझाव पेटियां दी गई हैं और उन पेटियों से आमजन से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी तरह से हमारे 3 माध्यमों से सुझाव जो हैं वो लोगों से आमंत्रित कर रहे हैं। पहला है कि वो अपने सुझाव कागज़ के ऊपर लिख कर के इस पेटी के अंदर डालेंगे। दूसरा, हमारा एक मिस्ड कॉल है, नंबर है 9090902420024। इस नंबर के ऊपर अगर हम मिस्ड कॉल देते हैं तो उसमें भी हमें एक ऑडियो आता है और उस ऑडियो के माध्यम से भी हम अपने सुझाव उसमें दे सकते हैं। और तीसरा माध्यम हमारा है कि जो नमो ऐप है उसमें QR कोड है, उस QR कोड के माध्यम से हम अपने सुझाव जो हैं वो इस संकल्प पत्र के बनाने हेतु दे रहे हैं। ये संकल्प पत्र हमारा जो है वो सभी आम जन लोगों की भावनाओं को लेकर के बनाया जा रहा है और इसमें सभी लोगों के सुझाव जो हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। 2047 तक भारत कैसे विकसित हो, इस चीज़ को लेकर के ये सारा जो हमारा अभियान है ये चल रहा है। तो ये इस अभियान के तहत आज सोलन शहर में हम आम जन से ये सुझाव ले रहे हैं। मिस्ड कॉल भी लोगों से दिलवाई जा रही है और साथ में नमो ऐप के द्वारा भी हम इसमें सुझाव ले रहे हैं और पेटिका में अभी तक 40 से 50 सुझाव आ चुके हैं और लोग जो हैं वो अपने सुझाव इस पेटिका में डाल रहे हैं। पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि इस तरह से संकल्प पत्र जो बनेगा पूरे देशवासियों की राय से बन रहा है। जी जी, इसमें देखिए संकल्प पत्र पहली चीज तो ये है कि जो हमारा घोषणा पत्र नहीं है, हमारा संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र का मतलब ये है कि कोई भी संकल्प जो लिया जाएगा उसको पूरा करना है। मोदी जी किसी भी कार्य का पहले आधारशिला रखते हैं और उसको उसके साथ ही उसका उद्घाटन भी अपने ही समय में वो करते हैं। घोषणाएं मात्र हमारा ध्येय नहीं है। तो ये जो आमजन है कि आमजन से ये चीज़ें हमें पता लगनी चाहिए। आमजन को बीच में इन्वॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है कि उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, किस तरह से हमारा जो देश है वो विकसित हो सकता है 2047 तक, हमारा जो डेवलप्ड नेशन का जो सपना है मोदी जी का और भाजपा का वो कैसे पूरा किया जाए, इस चीज़ को मद्देनज़र करते हुए आमजन से ये सुझाव लिए जा रहे हैं। और ये सभी सुझाव जो हैं कम से कम पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ से ज़्यादा सुझाव जो हैं वो लिए जाएंगे और उन सुझावों को बाद में स्क्रूटनाइज करके नमो ऐप में अपलोड किया जाएगा। मैं प्रोफेसर रविंद्र ठाकुर हूं और मेरे पास इस वक्त इस अभियान के जो लोकसभा क्षेत्र शिमला है उसका कार्यभार, उस नाते मैं संयोजक का कार्यभार देख रहा हूं। आपको बता दें कि घोषणा पत्र के लिए भाजपा जनता की राय लेना चाहती है, जिसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है। साथ ही सुझाव बॉक्स भी जारी किया गया है, जिसे एक वाहन में रखकर गांव-गांव तक ले जाया जाएगा। साथ ही ये सुझाव बॉक्स शहर के मुख्य जगहों पर भी रखे जाएंगे। पंजाब के सुटीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।